हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहारीज किचन। आज हम लोग बना रहे हैं आटे का केक। आटे के केक के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग एक बाउल में एक अंडा फोड़ लेंगे, उसको हम लोग अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आटे का केक बहुत हेल्दी है, बच्चे लोग को मैदा से दूर रखिए। घर में बना सके तो आटा का ही बनाइए, मैदा का कभी कभी तो चलता ही है, लेकिन आटा का हमेशा बना के रखिए, बच्चे लोग ले दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने तेल डाला है, मैंने एक छोटी कप चाय वाला कप होता है उससे मैंने आधा कप तेल डाला है, और ये इस कटोरी ये छोटे कटोरी से मैंने चीनी डाला है। अब आटा आप जितना ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा चीनी ज़्यादा लगता है मैदा के मुकाबले। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, मैंने थोड़ा सा दूध भी डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें तो आटा डालेंगे। देखिए छोटी कटोरी आटा है, गेहूं का आटा है, हम लोग इसको एक बार में डाल लीजिए कि ज़्यादा नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, ये इतना सॉफ्ट स्पंजी बनता है कि मैं क्या बताऊं, बहुत टेस्टी है, ये आप ट्राई करिए। देखिए इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और दूध मिलाया है। देखिए ये अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हमने इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस फ्लेवर, आपको जो डालना है डालिए, मैं इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल रही हूँ। वेनिला से छोटे वाले चम्मच से आधा चम्मच डाला है, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। देखिए अब मैं सोडा डालूंगी इसमें, खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा है, इससे आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, उसी से उसका भी बेकिंग पाउडर का आधा मैंने बेकिंग सोडा लिया है। आप इसको कभी भी डाल सकते हैं, आटा के बाद भी डाल सकते हैं, मैं इसे लास्ट में डालना भूल गई थी इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका अति पहले डाले चाहे बाद में डाले, आपका केक स्पंजी बनेगा ही। अब उसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, उसको साइड में रख देंगे। अब हम लोग एक कटोरी में क्या करेंगे, जिसमें आप लोग केक बनाते हैं उसी केक में हम लोग बटर लगा लेंगे, बटर घी आपके पास जो है चाहे ऑयल लगा लेंगे, और इसको हम लोग सारा पोर कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको निकाल करके अब हम लोग इसको थोड़ा टैप कर लेंगे, उसको अच्छी तरह से निकाल लिया है मैंने, उसको थोड़ा सा टैप कर लीजिए। उसके बाद मैंने देखिए कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था, ये गर्म हो चुका है, उसमें आप कोई भी बर्तन कोई भी पुराना हो तो उसको रख दीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से बैठा दीजिए, डायरेक्ट नहीं रखना है, रख करके आप इसको ढक दीजिए। उसके बाद ढकने के बाद ये है कि आप अब उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालना है, तो ड्राई फ्रूट्स आप तो अभी डालिएगा तो वो अंदर चला जाएगा, इसलिए केक थोड़ा जब फूल जाएगा, ये देखिए केक थोड़ा फूल चुका है, अभी पूरा पका नहीं, अभी कच्चा ही है। अब हम लोग इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, अभी डालेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो अच्छा भी लगेगा देखने में। इसको आपको जैसे सजाना है, मैंने काजू लिया है, पिस्ता बादाम है, और थोड़ा सा पिस्ता बादाम पिस्ता है और काजू है, उसको कट करके आपको जैसे डेकोरेट करना है आप उस तरह से डेकोरेट कर लीजिए, ये आपके ऊपर में है। देखिए मैंने इस तरह से इसे सजा दिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम लोग इसको कवर कर देंगे, कवर करके रख दिया है, अब इसको छोड़ देंगे जब तक ये पक ना जाए। देखिए हम इसको चेक कर लेंगे, ये हो चुका है, कम से कम इसको 45 मिनट लगता है बनने के लिए। देखिए अब हम इसको चेक कर लेंगे हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए हम आप तो जानते हैं चेक करना, टूथपिक ले लीजिए चाहे कोई भी चीज़, चाहे छुरी ले लीजिए। देखिए नहीं चिपक रहा है, मेरा केक बन के रेडी है, इसको बनने में लगभग मेरा 45 मिनट लगा है। देखिए केक कितना स्पंजी है, सॉफ्ट है, और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब मैं इसको आप काट के दिखा देती हूँ,
देखिए कितना सॉफ्ट है, आराम से कट जा रहा है। देखिए कितना सॉफ्ट है। देखिए इसका सॉफ्टनेस, इसको दबा रही हूँ फिर से फूल जा रहा है। और अंदर का जाली देखिए कितना अच्छा बना है और अंदर से कच्चा भी नहीं है, कितना सॉफ्ट है। अपने बच्चे को खिलाएं, ट्राई करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। देखने के लिए थैंक यू।